का गाऊं कछु गाए न होए, गाऊं रूप सहजे सोए टेक, नहीं आकाश नहीं थर थरणी, पवन पुर घट चंदा, नह अब राम कृष्ण गुण पाई, बोलत है सुषंदा, अब वेद कतेब पुराणन, सुन सहज रे पाई, नहीं अब मैं ते ते मैं नाही, कास्यो कहो बताई, पणे रविदास का कह गाऊं, गायन गाए हराणा, समझ विचार बोल कहाँ खो, आप समाना। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज सब जीवों को एकाग्रचित होकर प्रभु के गुण गाने का पावन उपदेश देते हैं। का गाऊं कछु गाए न होए, गाऊं रूप सहजे सोए टेक, का गाऊं कछु गाए न होए, गाऊं रूप सहजे सोए। हे प्रभु जी, अब मैं आपके गुण क्या गाऊं, अब मेरे से आपके कुछ महिमा गाई नहीं जाती, क्योंकि प्रभु जी मैं आपका सिमरन कर आपका ही रूप हो गया हूं। आपके स्वरूप का अनुभव कर सहज अवस्था में पहुंच गया हूं। नहीं आकाश नहीं थर थरणी, पवन पुर घट चंदा, नहीं अब राम कृष्ण गुण पाए, बोलत है सुषंदा, नहीं आकाश नहीं तर तरणी, पवन पुर कट चंदा। हे प्रभु जी, आप ना केवल आकाश हो, ना केवल धरती के पालना करने वाले हो, ना ही आप केवल वायु हो, ना ही आप केवल पुरी हो, ना ही आप केवल कटा हो, ना ही आप केवल चंद्रमा हो, ना ही अब राम कृष्ण गुण पाई, बोलत है सुषंदा। हे प्रभु जी, ना अब मैं केवल राम के
और ना कृष्ण के गुण गाता हूँ। मैं जे सच बोलता हूँ, प्रभु जी आप सर्व व्यापत हो, निरंकार हो, मैं केवल आपके ही गुण गाता हूँ। नह अब वेद कतेब पुराणन सुन सहज रे पाई, नह अब मैं तैं तैं मैं नाही, कास्यो कहो बताई। नहि अब वेद कतेब पुराणन सुन सहज रे पाई, हे पाई ना मैं अब वेदों को कतेबों को और पुराणों को पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं हर का सिमरन कर सुन सहज अवस्था में पहुंच गया हूँ और हर को अपने भीतर अनुभव करता हूँ। नह अब मैं ते तै में नाही, कास्यों कहूँ बताई। अब मैं और प्रभु जी आप और प्रभु जी मैं दोनों एक हो गए हैं। मैं आपके सिमरन कर आपका अनुभव अपने भीतर ही करता हूँ। ये बात मैं किसे जाकर बताऊं, पाव मुझे कोई ऐसा मिलता नहीं है जिससे मैं ये बात बताऊं कि प्रभु जी जो जीव आपका स्मरण करता है वो आपका ही रूप हो जाता है। पण रविदास का कहगा गायन गाए हराणा, समझ विचार बोल कहाँ कहो, आप है आप समाना। पणे रविदास का कह गाऊं गायन गाए हराना। सतगुरु रविदास महाराज जी प्रभु के चरणों कमलों में विनम्र बेनती करते हैं कि प्रभु जी मैं अब आपके गुण क्या गाऊं, मैं आपके गुण गाए कर इस संसार में सब से श्रेष्ठ बन गया हूं और इस संसार में मेरी विजय हो गई है। समझ विचार बोहुल कहां को, आपे आप समाना। जो जीव प्रभु का स्मरण करता है और प्रभु के नाम को अमोलक समझकर उसकी विचार करता है और प्रभु के कागरचित होकर गुनगाता है, वो जीव प्रभु में समा जाता है। इसलिए सब जीवों को वेद भाव से मुक्त होकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए। जय गुरुदेव।